जिस बीवी के लिए तूने बेहतरीन बिस्तर बनाया, बेहतरीन फर्नीचर पर्दे कलीनों का इंतजाम कराया, सब कुछ उसी के लिए कर रहा है, उसकी खूबसूरती के लिए अपना आप खूबसूरत बना लिया, उसकी अच्छाई के लिए अपनी जिंदगी बदतरीन बना ली, ये बीवी कयामत के दिन तेरे से इतनी बेवफाई करेगी, तेरा हाथ पकड़ना तो दूर की बात, कयामत के दिन तेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी। अनेक बीवी हो अलहदा बात है, जल्दा से डरती जिंदगी गुजार के देंगे। जिस औलाद को नमाज याद नहीं, कुरान याद नहीं, रोजा याद नहीं, रसूल याद नहीं, रहमान याद नहीं, वो औलाद तेरे कब्र में जाने के बाद और कब्र से उठ के मैदान हशर में खड़े होने के बाद वो औलाद तुझे भी याद कोई नहीं करेगी। जिसे पांच वक्त की अजान सुन के रब्बा याद नहीं आया, उसे बीमारी के आलम में बिस्तर पर अब्बा भी याद कोई नहीं आएगा। وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, आखिरत के घर की तरफ बुलावा आने से पहले ए बंदा कुछ ऐसे काम करके चला जा कि आखिरत के सफर में तुझे जहने में कोई दुश्वारी पैदा ना हो, वगरना हालात इस वक्त तेरे मेरे इतने बिगड़ चुके हैं, सारी दुनिया बचाना चाहेगी, सिस्के मारेगा, अपने पैरों की एड़ियों को घसीटेगा, सारी बरादरी को कहेगा जोर लगाओ, मुझे अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरी की वीआईपी का समय है, तुझे मेरे पास आने से कोई रोक ना सकेगा। अगर ईमान की हालत में आमाले साले की हालत में आया तो तेरे वजूद से, तेरी मंडी से, तेरे कमरे से मुश्क अंबर की खुशबू आएगी। अगर ईमान न लेके आया, माल लेके आया, हुब्बे जा हुब्बे माल लेके आया, तेरा पेशाब तेरा पखाना मौत के वक्त बिस्तर पर निकलवा दूंगा, अल्लाह अकबर, फिर ऐसा वक्त आएगा तेरे पाँव के अंगूठे बांधने के लिए तेरी सगी औलाद तैयार ना होगी। आज मैंने हाथों में ताकत दे दी, पैरों में ताकत दे दी, इसको इस्तेमाल कर ले मुझे राजी करने के लिए, आज मैंने तुझे तेरे दिमाग को सही सलामत कर दिया, आज मैंने तेरे दिल की नालियों को खोल के रख दिया, तेरे मैदे का सिस्टम मैंने बेहतरीन कर रखा है, अंदर का सारा निजाम सही कर रखा है, ऐ बंदे झुकने के काबिल किया, रुकू के काबिल किया, सजदा करने के काबिल किया, मेरे आगे खड़े होने के काबिल किया, ऐ मेरा बंदा आज इन अजा से काम ले ले, कल ऐसा वक्त तेरे पर आने वाला है, बिस्तर मरक पर लेटा होगा, पानी का गिलास तेरे सामने पड़ा होगा, तो इशारे इशारे से समझाएगा, सगी बीवी तेरे बच्चों को नहीं पता लगेगा, इस वक्त हमारे बाप को पानी की प्यास लगी हुई है। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में होता है, पेपर लूज हो जाए, पेपर गिल्ला हो जाए, पेशाब पोटली से भर जाए, रोने से माँ बतला देगी पेपर खराब हो गया, बच्चे को बुखार हो, रोने से माँ बतला देगी ये बुखार हो गया, सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हसवियों का दर्द हो, रोके तड़पेगा माँ बतला देगी मेरे बच्चे को इस वक्त मर्ज ये है, अगर उसे तलब प्यास की हो माँ बतला देगी, उसे दूध की तलब हो माँ बतला देगी, आज माँ नन्हे से मुजाहिद को पहचान रही है, अल्लाह अकबर, अगर मुझे राजी करके ना आया कल यही माँ तेरी जवानी की हालत में तेरे बोलों को नहीं पहचान सकेगी। आ रहा वक्त दौड़ता हुआ आ रहा है, चांद निकलने में देर लगाता है, सूरज ढलने में देर लगाता है, और मेरा बंदा मौत तेरे करीब है, अन करीब आने वाली है, सूरज तो ढलता नजर आता है, जब मौत आएगी ये तुझे नजर कहीं नहीं आएगी। सर पकड़ के बैठ जाएगा, टेलीफोन पर मरने की खबर सुन के हवास भागता हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, कहेगा यार यकीन नहीं आता, अपने हाथों से मैयत को मैयत के ऊपर मट्टी डाल के कहेगा, गुलाब की पत्तियां डाल के कब्र पे कहेगा, यार मुझे अब तक यकीन नहीं आया, फरमाया यकीन आए ना आए तुझे यकीन करना पड़ेगा। एक औरत का जवान बेटा फोत हो गया, उसे चैन ना आवे, करार ना आवे, परेशानी के आलम में परेशान थी, किसी अल्लाह वाले के पास चली गई और जाके कहने लगी अल्लाह वाले मुझे करार नहीं आ रहा, मुझे कैसे यकीन आए मेरा बेटा मर गया, सारी दुनिया ले लो, दुनिया का मालो मता ले लो, मेरा बच्चा जिंदा करके दिखा दो। अल्लाह वाले फरमाए लगे हाँ मेरे पास एक तदबीर है, मेरे पास एक तरीका है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा करूंगा। अल्लाह वाले क्या करेगा, फरमाया पानी का मटका ले जा, पूरी मोहल्ले में, पूरे कुनबे, पूरे खानदान में, पूरी बस्ती में ऐसे घर से पानी लेके आ जिस घर से कोई जनाजा ना उठाओ। तीन दिन के बाद मायूस हो गया, अल्लाह वाले के
मेरे सामने खाली मटका रख दिया, आज पता लगा मेरा बेटा मर गया। मैंने जो भी दरवाजा खटखटाया, मुझे पता लगा इस घर से अल्लाह अकबर तेरे आने से पहले चार जनाजे उठ चुके हैं। सिकंदर आजम दुनिया पर हुकूमत करने वाले का जब मेरे अनीदो इंतकाल हुआ, अम्मा परेशानी के आलम में पागल हुई फिरती थी, कहने लगी ऐसे भी हो सकता है पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, सातों बर आजम पर हुकूमत करने वाला, इस पर भी सवाल आ सकता है, इसे भी मौत अपने शकंजे में ले सकती है। रोजाना कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाती, दीवार के पास खड़े होके कहती मेरा सिकंदर, मेरा सिकंदर, और सिकंदर बाहर आ जा, तख्त तेरा इंतजार कर रहा है, ताज तेरा इंतजार कर रहा है, शाही महल तेरा इंतजार कर रहा है, आला नस्बी घोड़े किस्म के तेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आया तेरा इंतजार कर रही है, बाहर आ जा, मुझे यकीन नहीं आता कि सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाले को भी मौत आएगी। चार पांच दिन दरवाजे पर कब्रिस्तान के जाती रही, अगले दिन कई कब्रों से आवाज आई, ए अम्मा किस सिकंदर को पुकार रही है, यहाँ तो पता नहीं कितनों के सिकंदर पड़े हुए हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत नाती सरकारे मदीना, रूह कल वसीना जनाबे मदनी करीम रऊफ रही है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर नाती। फातिमतुज़ ज़हरा ने रोके दिखा दिया, सैयद आयशा ने रोके दिखा दिया, बिलाल दीवार के सहारे खड़े होकर रो रहे, सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, हजरत उमर तलवार निकाल के बाहर खड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया क्या हुआ, कहने लगे दिन तो रात में बदल सकता था, आसमान जमीन पर आ सकता था, हमें नहीं पता था कब वाला हमें छोड़ के चला जाएगा। मदीने की गली से जब जनाजा उठा, रोजा अनवर में तदफीन के बाद जब सहाबा इकराम अपने हाथों से मट्टी झाड़ रहे थे, अम्मा फातिमा तू ज़हरा हुजरे के दरबार अंदर खड़ी थी, पर्दे में खड़ी थी, कदमों की आन सुन रही थी। बिलाल हबशी का पता लगा मेरे बेड़े के पास से गुजर रहे, अनस अबू हुरैरा का पता लगा मेरे बेड़े के पास से गुजर रहे। अम्मा ने रोते हुए फरमाया भैया बिलाल, अबू हुरैरा चचा इधर आ जा, मुझे बताओ तो सही तुमने कैसे गवारा कर लिया कि अपने हाथों से हुजूर के मुखड़े पर मट्टी डाल के आ गए। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, आपका मेरा मरना और है, नबी का दुनिया से जाना और है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजो आप में मर जाए, पता नहीं खुदा सुनाए या ना सुनाए, आप में मर जाए खुदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन जाओ मदीना में अनवर, मदीना मुनवरा में रोज अनवर में बहारें देख लो, दुरूद पढ़ा जाते हैं फरिश्ते लेके जाते हैं, वहां पढ़ा जाता है कमली वाला खुद अपने कानों से समात फरमाकर हमारे दुरूद का जवाब अता फरमाता। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू वाला अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी अल्लाह ने वो अता फरमाया जो नबियों में आला, यार वो अता फरमाया जो यारों में आला, गुफ्तार वो अता फरमाई जो खुल्क अखलाक में आला। इसीलिए कुरान कहता है वइन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मैं अपने अखलाक में कितना ऊंचा हो जाऊं, पानी में बर्फ कम मिलेगी, मेरे अखलाक धरे के धरे रह जाएंगे, चाहे ठंडी मिल गई धरे के धरे रह जाएंगे, सालन रोटी मेरी मर्जी के मुताबिक न हुआ, कपड़ों पे इस्त्री मेरी मर्जी के मुताबिक न हुई, अल्लाह अकबर मेरा बिस्तर मेरी मर्जी के मुताबिक पक्के के नीचे न बिछा, मेरे अखलाक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें नबी के अखलाक बताऊ। फतह मक्का हुआ, जवान मस्जिद नबी में सामने फतह मक्का हुआ, रहमत वाले नबी के सामने जवान आके बैठ गया, ऊपर अपने कपड़ा लपेटा हुआ है, गंडा सा बांधा हुआ है, कपड़े से मुंह छुपा रखा है, और बड़े तलेराना अंदाज में, बड़े फखराना अंदाज में, बड़े जोश और खरोश, कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं, अकड़ अभी भी न टूटी, और रहमत आलम के सामने खड़े होकर कह रहे हैं अल्लाह अकबर आज बड़ी बड़ी दुश्मनियां माफ कर रहा है, बता सबसे बदतरीन दुश्मन को माफ करेगा, बड़े बड़े दुश्मनों के लिए माफी का ऐलान है, किसी के लिए अमन का ऐलान कर
दिया, किसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए, किसी के लिए दरवाजे खुलवा दिए, पता मुझे माफ करेगा कि नहीं। रहमत वाले नबी ने निगाह उठाई, मुस्कुरा के फरमाया माफ तब करूंगा, बताओ क्या जुर्म लेके आया। कहने लगा ये कौन सी माफी हुई, पहले मिलते करवाए फिर माफ करे। मुस्कुरा के फरमाया चल चेहरा दिखा। ना ना, जब तक चेहरा मुस्कुरा तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक माफी का ऐलान नहीं करेगा। आपने फरमाया क्या चाहता है। कहने लगा मुझे आज खुलके अजीम का मुजाहरा करके दिखाओ। नबुवत वाले चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हाथ आके बढ़ा दिया। कहने लगा इस तरह बात नहीं बनेगी, अपने यारों में खड़े होकर बात आकर हाथ में हाथ दे, तूने मुझे माफ कर दिया। आपने फरमाया आज मैंने बिलाल का चमड़ा उधेड़ने वालों को माफ कर दिया, शेख अबी तालिब की घाटी में परेशान करने वालों को माफ कर दिया, अल्लाह अकबर ताइफ की गलियों में पत्थर मारे मैंने माफ कर दिया, मेरी बच्चियों के निकाह से पहले तलाक देने वाले खानदान के खानदान मैंने माफ कर दिए। क्या क्या याद रखेगा, तुझे भी उसी सब ने शामिल कर दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की तरफ देखा, पहचानते हो नहीं या रसूलल्लाह, फरमाया अब तो अपना चेहरा दिखा दे। उसने यूं करके अपना चेहरे से कपड़ा हटाया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ जुड़े के जुड़े रह गए। खुदा के पैगंबर की आवाज ना निकली बल्कि आंखों से बरसात पानी की शुरू हो गई। वो मोती के कतरे आपके रुखसार पर, आपकी दाढ़ी मुबारक पर गिरने लग गए, यहाँ तक कि आपकी हिचकी बन गई। सहाबा इकराम ने तलवारें ने आंख से बाहर निकाल ली। आपने फरमाया तलवार हो कयाम में तलवारें रख लो, मैंने अमन का इससे वादा दे दिया। कमली वाले बताओ तो सही है कौन जिसके चेहरे ने आपको रुला दिया। आपने फरमाया जब दुश्मन बन के आया मैंने उस वक्त नहीं बताया, अब तो माफी का ऐलान कर दिया मोहम्मद, अब तुम्हें कैसे बताएगा। आपको छोड़ दो, हो गई बात। एक उठेगा अल्लाह के नबी, भला होगी खैर होगी, कमली वाले हमें बताओ ताकि हम जाकर जल्ले बैठ वालों को बताएंगे हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने बड़े बड़े दुश्मनों में माफी का ऐलान कर दिया। आपने फरमाया पूछ के क्या करोगे, कहीं कमली वाले बताना पड़ेगा। अरज कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया इसने मुझे पत्थर नहीं मारा, इसने मुझे ललकाना कोई नहीं, न झिड़का न डांटा, बल्कि ये वो है इसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आया, मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। सहाबा इकराम की कूके निकल गई, रोके कहने लगे कमली वाले थी क्यों याद आई। आपने फरमाया मेरी बच्ची मक्के में, मैं मदीने में, बाप बेटी की जुदाई में, बेटी बाप की जुदाई में दिन रात रोया करते थे, जिस दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मदीने में मक्के से हिजरत करके आ रही है, यही जालिम था जिसने नेजे की नोक सवारी पर मार कर मेरी बच्ची को जमीन पे आया था, मेरी बच्ची का हमल जाया हो गया, जख्म आया, इसी जख्म में दुनिया से रुखसत हो गई। आज ये चेहरा मेरे सामने लेके आया, मेरी ज़ैनब के आंसू मेरे सामने आ गए। सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाते फूल बरसाए। आज तू बेटी हक मांग ले, बाप उसका चेहरा नहीं देखता। महीना डेढ़ महीना पहले अल्लाह की कसम, बाबू अल्लाह के घर में बैठे हो, कसम इसलिए उठा रहा हूं कि आपको यकीन आ जाए। एक नौजवान बच्ची, एक बूढ़ी बच्ची का फोन आया बहन का, मुझे अब्बू कह के पुकारने लगी। कहने लगी अब चार महीने हैं जब से अपने होश संभाला, एक मरतबा भी हमारे बाप ने हमारे इसी तरफ हंस के नहीं देखा। कमाना बीमार हो जाते अच्छा था, कैंसर के मर्ज में इतनी तकलीफ न होती, तकलीफ तो उस वक्त होती है कैंसर के पुणे उस वक्त ठा ठा करने लग जाते हैं जब बाप भाइयों से हंस के बात करता है, हमारा चेहरा देख के मुंह फेर लेता है। वही सा मौत बात में बहुत रिया थी, कोई ऐसा वजीफा बता दे, कोई ऐसा वजीफा कोई लफ्ज बता दे, हम बाप के लिए पड़े तिलरम हो जाए। मुझे वही बात याद आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासी को गोदी में लेके बैठे हुए, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों कमली वाले के सामने एक शख्स आया और आके कहने लगा मोहम्मद बच्चों से आप कैसे प्यार कर लेते हो। आपने फरमाया क्यों, कब मुझे तो अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, मैंने तो आज तक अपनों को गोदी में नहीं उठाया। आपने फरमाया जब अल्लाह ही रहम छीन ले वो मोहम्मद अरबी क्या कर सकता है। वो भी शख्स हुजूर की खिदमत में आया था जिसने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह जब कलमा नहीं
नहीं पड़ा था, नबूवत वाला दामन नहीं पकड़ा था, अपनी बच्ची को अपने हाथों से जमीन में दफन कर दिया। और अम्मा जब तेरा लड़ पकड़ लिया तो अब भाई की बच्चियों पर भी हमें प्यार आने लग गया। मेरे मोहतरम, दीन सिर्फ ये नहीं के पांच वक्त की नमाज, नमाज उस वक्त कबूल होती है, उलमा बैठे हैं, नमाज उस वक्त कबूल होती है जब इंसान के अखलाक का दायरा वसी होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ बस्ती वाले कुछ गांव वाले आए और आके कहने लगे, कमली वाले सवाल करने जवाब दीजिए। आपने फरमाया पूछो कि हमारे इलाके में औरत है, एक बूढ़ी औरत रहती है, सदके खिराक में आला, किरदार में आला, हर मामले में आला, नमाज तहज्जुद में आला, लेकिन जुबान से बोल ऐसा निकलता है कि अच्छे अच्छों की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देती है। रहमत आलम ने फरमाया जाओ मेरा पैगाम जाके दे दो, उसके अंदर खैर कोई नहीं, अगर तेरे अखलाक अच्छे कोई नहीं, तुझे जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिल तोड़ते हुए मेरे अजीज़ो देखते ही कोई नहीं, मस्जिद के माहौल में बैठा हूं मैं, घर की बात नहीं करूंगा, मस्जिद की बात करूंगा। इंतजामिया इमाम से ऐसी बात करनी है कि शर्मिंदा कर देती, सर उठाने के काबिल ही रहता। मौसिन साहब सुबह फजर की नमाज के बाद बार गेट की बत्ती बुझाना भूल जाए, यकीन करो ऐसे नमाजियों में खड़े करके अल्लाह अकबर जलील करती है, उसका रोटी खाने को दिल नहीं करता। कहां से लाएगी अखलाक, अच्छा बोल बोलते नहीं, क्यों? कारोबार का बोझ, कर्जों का बोझ, बीवी की बदकलामी का बोझ, औलाद की नाफरमानी का बोझ, सारी जिंदगी पैसा लगा लगा के ऐसा आलीशान घर बनाया, लेकिन उसके अंदर ना ईमान, ना कुरान, ना अखलाक, सुकून ना होने का बोझ जब पड़ता है तो ये सारा मेरे अजीजों परनाला बन के जुबान से बाहर निकलता है। तो अच्छा अच्छा आदमी भी दुनिया के सामने उनकी नजरों के अंदर गिर जाता है। गिले रखना, एक औरत मस्जिद नबी के दरवाजे पर आके खड़ी हो गई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख के मुस्कुराने लग गई। भाप लिया, मजमा छोड़कर तशरीफ ले आए। अम्मी क्या बात है? अपनी बगल में से कपड़ा निकाला, क्या ये कपुत्र मेरा कोई नहीं, औलाद मेरी कोई नहीं, रोजाना कपड़ा देखती हूँ लपेट के रख देती हूँ, आज जरूरत की तेरे दरबार में तेरा सामना करने की, क्या हुआ? कब मेरा दिल चाहता है मैं तेरा कुर्ता अपने हाथों से सी के तुझे पहनाऊं। रसूलों का रसूल, मेरा आज का दूल्हा नबियों का सरदार, आज बाबूजी अब्दुल हन्नान को कोई 25 एकड़ का मालिक है, मौली साहब दुआ करते जाओ, मैं दौड़ के जाऊंगा कोई गरीब के मेरी बैठक में फेरा मारो तो अब्दुल हन्नान के पास वक्त नहीं होगा। मुझे यहां बुलाया, इतना बड़ा पैसों का लिफाफा दे गए, कोई कान में कह दे बोली जी साथ हमारा मदरसा है, कदम ही रख के चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं होगा। वरना पहले दिल के अंदर मैल आए थे जब खतीबे पाकिस्तान बने थे, उस वक्त हमने कहना शुरू कर दिया देसी पुर्जा करना, यखनी बनाना, बड़ा गोश्त ना हो, सब नहीं खाते। लेकिन यकीन जानो जब हमने अपनी औकात को देखा और मेजबान की शान को देखा, गैरत के जनाजे निकल गए। यूं करके गरीब दस्तरखान लगा के हाथ बांध के खड़ा होता है, ऐ लीलो जी ऐ लीलो, मैं परहेज का हुआ नहीं, मैं कहूँ नहीं खाना, पता नहीं उसने कितने कदरों में खुदा से मांगा होगा। अब्दुल हन्नान मेरे बेड़े पर आए, मैं दस्तरखान लगाऊंगा, उसकी बीवी ने पता नहीं किस तरह प्यार में सब्जी काटी होगी, उसके घर बर्तन नहीं होंगे, पड़ोसियों से बर्तन लेके आया होगा, वो दस्तरखान पता नहीं कहाँ से लाया होगा। रब्बे काबा की कसम, मेरी शराफत का जनाजा उस वक्त निकल जाता है जब गरीब के पास आग का पक्का नहीं होता, अपने रुमाल का 50 साल का बंदा अपने रुमाल से जुबर के पक्का जलता है, अल्लाह की कसम बड़ा बड़ा इलम उस वक्त धरे का धरा रह जाता है। दिल ना दुखाना मेरे यार, बस अपने तो
इस क्लब ने इसराइल से यह पाया कि दिल नहीं किसी का दुखा है। सुल्तानुल हिंद अल्लाह अकबर, अजमेर की नगरी का बाबा तफली रोजा रख के बैठा हुआ है। एक आदमी साग कठड़ी, साग और मेरे अजीजों मकई की रोटी कठड़ी बना के सर पे उठा के लाया। हजरत अजमेरी ने देखा अल्लाह अकबर के पाओ पे खुस्से पे चमड़े के जूते पे गर्दो गुबार है। गर्दो गुबार से पहचान लिया बड़ी दूर की मुसाफत करके आया है। क्या लाया? कपड़ी ताज्जुद गुजारी में इसी तरस्कार से खुद साग को घोटा दिया घर वाली ने। नमाजे पढ़ पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के मकई की रोटी तैयार की, तेरे नाश्ते के लिए लाया। मरीदों की तरफ देखा के अंदर हजरत रोजा। साहिल की तरफ ने जुबान की तरफ देखा, मुस्कुरा के फरमाया लाओ दस्तरखान लाओ और खाना रखो। खाना जब आगे आया मकई की रोटी तोड़ी साग में लगाई बिस्मिल्ला पढ़ के मुख में डाली तो मरीद शीशी करने लगे। फरमाया खामोश हो जाओ। आपस में चेबगोया होने लगी कैसा पीर है साग मकई के लिए रोजा तोड़ बैठा। जब वो खाना खिला चुका दुआएं लेके दुआएं दे के हंसता हुआ गया। सुल्तानुल हिंद ने सारे मुरीदों को बुला लिया, तुम क्या समझे मैं शरीयत नहीं जानता, तुम क्या समझे मैं तरीकत नहीं जानता, मुझे पता रोजे का कफारा क्या। ओए लोगों कितनी दूर से लाया, पैदल चल के आया, मेरे सामने आया, मेरे एक बोल से उसका सर झुक जाता, उसका कलेजा कट जाता, उसका दिल टूट जाता। ठंडा होका भरा पर मैं सानो वाले नबी का मैंने फरमान सुना। रब्बे अकबर की कसम पूरा कुरान पूरा हदीस गवाने में मैंने मुताला किया। मुझे रोजा तोड़ दे का कुफारा तो नजर आया, दिल तोड़ दे का कुफारा मुझे कहीं नजर नहीं आया।